तो आज हम बनाएंगे अमृतसर का और दिल्ली का बहुत ही फेमस चूरचूर नान। और चूरचूर नान की खास बात ये है कि ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी होता है और इसे एट द सेम टाइम इसको हम क्रश करके और चूर के इसको देते हैं। इस चूरचूर नान को आज हम घर पे बनाएंगे, वो भी तवे पे। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के ये मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे सभी न्यू वीडियो सबसे पहले मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रीति। वेलकम बैक इन माय चैनल प्रीतिस केक एंड कुकिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चूरचूर नान के लिए आटा लगा लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप गेहूं का आटा लिया है और 1 कप हम यहाँ पर लेंगे मैदा। आप चाहे तो यहाँ पर चूरचूर नान पूरा गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं या फिर आप इसे पूरा मैदे से भी बना सकते हैं। मैंने दोनों को मिक्स करके लिया है। और यहाँ पर 1/2 TSP हम यहाँ पर देंगे नमक और 1 TSP हम यहाँ पर देंगे बेकिंग पाउडर। और फिर हम आटे में डालेंगे घी का मोयन। तो यहाँ पर हम 4 टेबल स्पून घी डाल देंगे। घी डालने से हमारे क्या होगा, चूरचूर नान बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनेगी। तो आप भी यहाँ पर जो मोयन देंगे वो आप घी का ही दें, इसमें ऑयल यूज़ नहीं करें। तो अभी यहाँ पर हम इसको बहुत ही अच्छे से मसल मसल के इसको मिक्स करेंगे ताकि जो घी है वो आटे में अच्छे से, पूरे आटे में अच्छे से फैल जाए। तो यहाँ पर इसको हम चेक करेंगे। देखिए इस तरह से हमारा हल्का सा लड्डू बन रहा है और ये बिखर भी रहा है, तो बिल्कुल इस तरह का हमें मोइन चाहिए। तो अभी यहाँ पर हम इसमें मिक्स करेंगे दही। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1/4 कप जितना फ्रेश दही। फिर हम इसे अच्छे से आटे में मिक्स कर लेंगे। दही को भी हमें बिल्कुल अच्छे से रब करना है आटे में ताकि बिल्कुल क्रमली हो जाए और दही हमारा आटे में अच्छे से पूरी जगह फैल जाए। तो अभी यहाँ पर हम इसका आटा लगाएंगे। तो यहाँ पर हम इसका सॉफ्ट आटा लगाएंगे। तो उसके लिए हम धीरे धीरे इसमें पानी डालेंगे और जितनी हमें ज़रूरत होगी उतना हम इसमें पानी डालेंगे। यहाँ पर इसे हमें लगभग 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसल के इसको गूंदना है। अच्छे से मसलने से क्या होगा, हमारे आटे में जो है वो ग्लूटेन फॉर्म होगा और इससे हमारा आटा बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो यहाँ पर हमें जितना पानी चाहिए उतना हम इसमें धीरे धीरे ऐड करेंगे और इस तरह से मसल मसल के हम इसका सॉफ्ट आटा लगाएंगे। तो यहाँ पर आटा हमारा रेडी है। तो अभी इसे हम ढक के इसको हम रेस्ट के लिए रखेंगे 15 मिनट के लिए। तब तक हम इसके लिए स्टफिंग रेडी करते हैं। तो चूरचूर नान की स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिया है 3 उबले हुए मैश किए हुए आलू। और यहाँ पर हम लेंगे 1 कप जितना ग्रेट किया हुआ पनीर। और फिर हम यहाँ पर ले लेंगे 1/2 कप जितना चॉप्ड अनियंस और 3-4 मैंने ली है चॉप्ड ग्रीन चिलीज। और कुछ यहाँ पर मैंने लिए हैं फ्रेश चॉप्ड कोरिएंडर लीव, धनिया पत्ती ली है। और नमक आप यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और फिर यहाँ पर मैंने लिया है लगभग 1/2 टेबल स्पून जितना रेड चिली पाउडर और 1 TSP मैंने यहाँ पर लिया है अमचूर पाउडर। थोड़ा सा हम यहाँ पर लेंगे गरम मसाला और यहाँ पर मैंने साबुत धनिया को क्रश करके लिया है। और यहाँ पर हम लेंगे रोस्टेड जीरा पाउडर और यहाँ पर हम ले लेंगे काली मिर्च का पाउडर। तो यहाँ पर इन सभी मसालों को डालने के बाद में इसको हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो स्टफिंग है वो बिल्कुल तैयार है। तो अभी हम चलते हैं हमारे आटे की तरफ। तो यहाँ पर हमारा आटा भी अच्छे से बिल्कुल रेस्ट होके रेडी है। तो एक बार इसको हम अच्छे से मसल के चिकना कर लेंगे, सॉफ्ट कर लेंगे। और यहाँ पर अभी हम इस पूरे आटे को एक बार अच्छे से रोल करेंगे, इसको हम पतला बेलेंगे। और यहाँ पर बेलने के लिए हम यहाँ पर लेंगे थोड़ा सा सूखा हुआ आटा। आटा स्प्रिंकल करने के बाद में हम इसको बड़ा और गोल बेल लेंगे। तो अभी इसे बेलने के बाद में हम इसके ऊपर लगाएंगे घी या आप बटर भी लगा सकते हैं। तो घी डालने के बाद में हम इसे हाथों से अच्छे से फैला लेंगे चारों तरफ। तो यहाँ पर घी फैलाने के बाद में हम इसे उंगली से इस तरह से छेद करेंगे, इसके ऊपर हल्के हल्का इस तरह से छेद करेंगे। ऐसा करने से हमारा जो घी है वो बिल्कुल आटे के अंदर तक जाएगा और हमारी जो नान है चूरचूर नान वो बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनेगी। तो ऐसा करने के बाद में हम इसके ऊपर सूखा आटा स्प्रिंकल करेंगे और फिर इसे हम एक तरफ से रोल करना शुरू करेंगे। रोल हो जाने के बाद में हम इस आटे को इस तरह से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे।
तो अभी यहाँ पर हर एक पेड़े को लेंगे हम और इसकी हम गोल लोई बना लेंगे। तो अभी यहाँ पर हम एक एक लोई को लेंगे और इस तरह से उसके ऊपर सूखा आटा स्प्रिंकल करके उसको हम छोटा बेल लेंगे। इतना बेलने के बाद में अभी हमें इसके अंदर स्टफिंग भरनी है। स्टफिंग आप इसमें बहुत ही अच्छे से भरिए और इसे हम अच्छे से पैक भी करेंगे ताकि जब हम इसे पकाएं, इसे हम सेकें, तब स्टफिंग हमारी निकलनी नहीं चाहिए। तो इस तरह से उसको हम बहुत ही अच्छे से पैक करेंगे। तो अभी इसको अच्छे से भर लेने के बाद में इस पर हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इसको इस तरह से हम हाथ से ही फैलाएंगे। पहले इसको हम इस तरह से हाथ से फैला के इसके ऊपर हम थोड़ी सी कटी हुई बारीक धनिया पत्ती लगाएंगे। धनिया पत्ती लगाने के बाद में इसके ऊपर हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे ताकि जो धनिया पत्ती है वो हमारी निकले नहीं, आटे में अच्छे से चिपक जाए। और उसको उल्टा पलटने के बाद में इसको हम बेल लेंगे। तो इसको पूरा बेलने के बाद में इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे और थोड़ा सा धनिया पत्ती के साइड भी हम इसको बेल लेंगे ताकि ये निकले नहीं। और फिर गरम तवे पे इसको हम रखेंगे सेकने के लिए। तो जो धनिया पत्ती वाला पार्ट है वो ऊपर रखेंगे हम, और जब नीचे वाला पार्ट सिक जाएगा थोड़ा सा तो उसको हम पलट देंगे। तो यहाँ पर इसे हम दोनों साइड अच्छे से तवे पे सेक लेंगे और दोनों साइड सेकने के बाद में अभी इसको हम गैस पे सेकेंगे, इसको हम और क्रिस्पी करेंगे। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट गैस पे सेकना है, गैस की आंच पे, ताकि ये और क्रिस्पी हो जाए। और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इसकी जो साइड्स है वो भी अच्छे से क्रंची और क्रिस्पी हो जाए। और यहाँ पर दोनों साइड इसे हम अच्छे से क्रिस्पी कर लेंगे। और यहाँ पर हमारा अमृतसरी चूरचूर नान बन के बिल्कुल रेडी है। तो इसके ऊपर हम घी या बटर अच्छे से अप्लाई कर देंगे। अभी यहाँ पर इसका एक स्टेप बाकी है, इसको चूर चूर करना, क्योंकि इसका नाम ही है चूरचूर नान। तो इस तरह से हम इसे चूरा करेंगे और इस तरह से इसको हम सर्व कर सकते हैं। आप इस चूरचूर नान की रेसिपी को दाल के साथ में, छोले के साथ में, या फिर पनीर की सब्जी के साथ में सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है ये खाने में। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरी सभी न्यू वीडियोज़ की रेसिपी मिल सके। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।